एक तरफ तो पहले कोरोना जैसी महामारी ने सबको डरा रखा हुआ है, ऊपर से यह आफत की बारिश ने भी सिर का आसियाना छीन लिया। कई लोगों को आफत की बारिश में अपना आसियाना खो बैठे, जिससे इन लोगों को समस्या पर समस्या आने लगी है और हर समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सर छुपाने वाला आसियाना टूटकर बिखर गया। मधुबनी जिले के मधुवापुर प्रखंड अंतर्गत साहर पश्चिम पंचायत में आफत की बारिश से कई लोगों का आसियाना उजड़ गया, क्योंकि बहुत से लोगों के पुराने घर थे और इस आफत की बारिश ने कोहराम मचा दिया, जिससे वो आसियाना टूट टूट कर बिखर गया। आइए ले चलते हैं आपको साहर पश्चिम पंचायत में, जहां आफत की बारिश से कई लोगों के सर का आसियाना टूट कर बिखर गया। यह व्यक्ति है बिंदा महतो और अपने घर में आफत की बारिश के समय सोया हुआ था, जिसके बाद अचानक घर गिरने की आवाज़ आई और फिर ये लोग उस घर से निकल पड़े, जहां इन लोगों की जान बाल बाल बची। इस घर में आधा दर्जन परिवार सोया हुआ था कि अचानक मिट्टी की दीवार गिरी, तब जाकर सब लोग सुरक्षित जगहों पर गए। अब इनके पास अपना सर छुपाने के लिए एक भी घर नहीं है और ये अब काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं, इनके बगल के एक और व्यक्ति का पुराना घर का दीवार भी गिर गया, जिससे वो भी परिवार काफ़ी भयभीत है और शासन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, जिससे इन लोगों को इस आफत की घड़ी में कुछ सहायता मिल सके। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कैसे गिरा? वर्षा का पानी था। तो आज रात में तो वर्षा नहीं हुई थी? बड़ी भोर में बहुत जोर से जोर से वर्षा हुई थी, बहुत एक डेढ़ घंटा बरसा, बहुत जोर से वर्षा हुई, एक डेढ़ घंटा। तो कैसे कैसे रह रहे थे इसमें आप लोग? तो वैसे था, लेकिन हम लोग सोए हुए थे इसमें, पाँच छः आदमी। अच्छा अच्छा, बाल बाल बच गए हैं। तो सरकारी सुविधा कुछ ऐसा मिला है आप लोगों को कि नहीं? नहीं मिला है। तो कैसे रहिएगा फिर आप? वैसे तो पगड़ी उगड़ी टांग करके रहेंगे, कैसे रहे? क्या नाम हुआ आपका? बिंदा दास। कैसे गिरा ये घर? बारिश से जो इतना हो रहा है ना, बारिश और पानी के कारण गिर गया है। तो कब से कब गिरा ये? ये रात में लगभग 12 बजे, 12 बजे, 12:15 बजे गिरा। तो इसमें सोया हुआ भी था? सोया हुआ था, और बच्चे लोगों को चोट भी लग गया, बाल बाल बच्चे, माने भगवान के दया था तो बच गया। छः आदमी सोए हुए थे उसमें। तो कभी इसमें प्रशासनिक अधिकारी कोई ऐसी? कोई नहीं, हम उसमें ग्रुप में डाले थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम फोन भी किए हुए, सबका आगे आवेदन दो। तो अब आवेदन दिए हो, शिकायत किए हो कि नहीं? नहीं, शिकायत नहीं किए अभी। अच्छा, इसे हम अभी तो है तो कहे हैं। तो मैंने क्या मांग रहेगा तुम्हारा घर जो गिर गया है? तो मांग वही जो मुआवजा मिलता है, जो राहत अभी बाढ़ के कारण खेत सब इधर गया, और जो घर खसी का जो होता है वो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम गणेश कुमार दास। बरसात में गिर गया है? बरसात में। कौन सी बरसात? बरसात तो नहीं हो रही अभी? नहीं, वो रात गिर गया बरसात अथी में। अच्छा, तो कितना का नुकसान हुआ होगा? ये बहुत के नुकसान हुआ, 50-60 हज़ार का। और तो कब बनाए थे ये घर? ये घर 10 साल बनाया हो गया। 10 साल में अभी गिर गया है? तो इसके लिए सरकारी कोई सुविधा उविधा मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। BDO CO को दिए हैं लिख करके? नहीं दिया। मुखिया को दिखाए कभी? नहीं दिखाया। तो दिखाइएगा मुखिया, तब तो मिलेगा। दिखाएंगे। तो क्या मांग है आपका? घर जो गिर गया है आपका मांग है जे दे दे। क्या घर दे दे, चाहे इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो मैंने इंदिरा आवास का मांग है अपना? एक दिन को खर्चा, अभी रहेंगे कहाँ से खर्चा नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? भिखरू दास।